I'll tell each and everyone how to train the players properly, because there is still doubt in people's mind that how you have to like train the players. ठीक है, बहुत लोगों को पता है ट्रेन कैसे करना है, बट कैसे ट्रेन करना है ये अभी भी लोगों को नहीं पता है गाइज. इसके पीछे बहुत ज़्यादा टैक्टिक्स आपको इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, और मैं किसी का देख के नहीं बताऊंगा. मैं आपको खुद से जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं ई फुटबॉल 22 पीसी भी खेलता था, तो ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं. पहले आपको एक बात बताता हूँ कि देखिए, टीम प्लेइंग स्टाइल प्रोफिशिएंसी मैं आपको अपने प्लेयर की दिखाता हूँ. ठीक है, मैंने सारे प्लेयर की प्रोफिशिएंसी 90 प्लस की हुई है. ठीक है, जो मेरा मेन प्लेइंग स्टाइल रहने वाला है गेम के अंदर. सो जैसे आप सब, ये मैंने क्रिस्टियानो का 95 कर दिया है, रुमिनेक का 99 कर दिया है, बेकेनबोर का 99 कर दिया है, पुयोल का 99 कर दिया है, और इसका 95 कर दिया है. अब सब प्लेयर का मैंने 90 प्लस कर दिया है, जो आपको भी करना है मेन टैक्टिक्स में. मेरी मेन टैक्टिक्स है लॉन्ग बॉल काउंटर, लुक एट दिस. इसीलिए मैंने ये वाला मैनेजर चूज़ किया. मैं आपको बताऊँगा मैनेजर भी कैसे यूज़ करना है इस वीडियो के अंदर. मैनेजर कौन सा यूज़ करना है, कौन सा आपके लिए परफेक्ट रहेगा, किसको परचेज करना है, कैसे करके प्लेयरों को ट्रेन करना है, कौन से प्लेयर यूज़ करने हैं, सारी चीज़ें मैं वीडियो के अंदर आपको बता रहा करने हैं. अब मैं सबसे पहले जो बता रहा हूँ, लॉन्ग बॉल काउंटर मेन टैक्टिक्स है. अब गाइज एक चीज़ ध्यान रखना, ये गेम है टैक्टिक्स का. अगर सपोज़ कीजिए आपका लॉन्ग बॉल काउंटर टैक्टिक्स काम नहीं करती, तो आपको दूसरी टैक्टिक्स में स्विच करना पड़ेगा. सबसे पहली बात याद रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने जो मेन टैक्टिक्स रखी है, ठीक है, हमने जो मेन टैक्टिक्स रखी है वो हमारी काम नहीं करेगी. ऐसा बहुत बार होगा, तो हमें वो टैक्टिक्स चेंज करनी पड़ेगी. अगर मैं अभी इस सिचुएशन में टैक्टिक्स को चेंज करता हूँ, तो मेरा जो टीम प्ले स्टाइल है वो कम हो जाएगा. मैं आपको दिखाता हूँ. सपोज़ कीजिए मैंने 2-3 गोल मार दिए, अब मुझे डिफेंस करना है. भाई 2-3 गोल की लीड है, आई ट्राई टू स्टॉप द अपोनेंट फ्रॉम स्कोरिंग गोल्स. तो मैं पोजेशन में जाऊँगा. अब मैं पोजेशन में गया, मेरा टीम प्ले स्टाइल देखो 69 हो गया, बिकॉज हर एक प्लेयर का ये जो है ये 60 है, प्ले स्टाइल प्रोफिशिएंसी 70, 60, 70, तो ये कम है, तो इसकी वजह से प्ले स्टाइल कम हो गया. ऊपर से जो मेरा मैनेजर है उसका भी पोजीशन गेम प्ले 46 है. तो आपको ऐसा कोई मैनेजर चूज करना पड़ेगा जिसकी दोनों टैक्टिक्स 70 प्लस हो. ठीक है, दूसरी चीज़ प्लेयर का क्या करना है. अब बहुत सारे लोग ना प्लेयर को मैक्स रेटिंग करने के चक्कर में लगे हुए हैं. अरे मैक्स रेटिंग का अचार डालोगे. अगर 69 मेरा टीम प्ले स्टाइल है, सपोज़ कीजिए क्रिस्टियानो के प्ले स्टाइल प्रोफिशिएंसी है 60, ठीक है, प्ले स्टाइल प्रोफिशिएंसी इज 60. अब मेरा कार्ड तो है 94 रेटेड, दिस कार्ड इज 94 रेटेड, लेकिन देखो इसकी रेटिंग डाउन हो गई 93, क्योंकि मैंने मैनेजर की टैक्टिक्स चेंज करी. तो आपका प्लेयर जो है वो डी परफॉर्म कर, मतलब उसका परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगा. और अगर इसकी यही प्रोफिशिएंसी 90 प्लस होती या 80 प्लस होती ना, तो दिस विल बिहेव एज अ 96 रेटेड कार्ड. तो टीम प्ले स्टाइल कम होने से आपका प्लेयर की परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी गेम में. ऐसा समझो कि कोई 90 रेटेड कार्ड है और उसका प्ले स्टाइल सपोज करो 60 है उस वाली टैक्टिक्स में, तो जो प्लेयर है 90 अप्रॉक्सीमेटली आपका 70 रेटेड कार्ड की तरह बिहेव करेगा. तो ये मैं लेमन टर्म्स में समझा रहा हूँ. तो इन गेम परफॉर्मेंस एकदम खराब हो जाएगी. तो आपको प्लेयरों की भी दो प्ले स्टाइल को इंक्रीज करना पड़ेगा. मेन टैक्टिक्स को 90 प्लस करना पड़ेगा, और जो सेकेंडरी टैक्टिक्स आप लोग इन केस एमरजेंसी में यूज़ करने वाले हो उसको आपको 80 प्लस करना पड़ेगा. प्लेयर की मैक्सिमम रेटिंग के चक्कर में मत जाओ, कोशिश करो कि एक गेम के अंदर आपका प्लेयर दो टैक्टिक्स खेल सके. ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ट्रेन करते हुए. इसीलिए मैंने क्या किया, जितने आइकॉनिक्स हैं मेरे, इन सब का मैंने दो प्रोग्रेशन पॉइंट बचा के रखा है. अब दो प्रोग्रेशन पॉइंट बचाने से क्या होगा, 60 है, मैं आराम से इसको 80 कर सकता हूँ. ठीक है, रूमिनेक का 70 है, मैं इसको 90 कर सकता हूँ. इसका 80 है, मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 10 दे के मैं इसको 90 कर दूंगा. इसका 70 है, इसको भी 90 कर दूंगा. इसका 70 है, 90 कर दूंगा. इसका 80 कर दूंगा. अब ये तो हो गई मेन प्लेयर्स की बात. इससे क्या होगा, मैं टैक्टिकली जो है अपना मैच के टाइम पे अपनी एकदम से चेंज कर लूँगा टैक्टिक्स. अपोनेंट को पता भी नहीं लगेगा, उसको लगेगा काउंटर खेल रहा है, मैं अचानक से पोजेशन खेलने लगूंगा. वो बेचारा अपनी ओन टैक्टिक्स में फंसा रह जाएगा, वो चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका दूसरा प्ले स्टाइल वीक है. मेरे दो प्ले स्टाइल स्ट्रांग होने से मुझे टैक्टिकली एडवांटेज मिलेगी गेम के अंदर. ये आपको चीज़ समझनी है. ठीक है, तो ये तो हो गया प्लेयर के दो प्रोग्रेशन पॉइंट दूसरी टैक्टिक्स के लिए बचा के रखिए. मेन टैक्टिक्स 90 प्लस, सेकेंडरी टैक्टिक्स 80 प्लस, यू आर सॉर्टेड फॉर द गेम.